हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन कुकिंग सीक्रेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी की कलौंजी। तो यहाँ पे हमने भिंडी ले लिया है, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया है। अब हम इसमें सबसे पहले भिंडी को डाल लेंगे, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ढक के नहीं फ्राई करेंगे फ्रेंड्स, नहीं तो बहुत ज़्यादा गल जाएगा। इसको चारों तरफ से हम पलट पलट के फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हम फ्राई कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। अभी फ्राई हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे एक बर्तन में और हम इसको ठंडा होने देंगे। बहुत ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं किए हैं। अगर इससे भी ज़्यादा आपको क्रिस्पी चाहिए तो आप और भी फ्राई कर सकते हो, जैसा आपको चाहिए। दूसरी साइड हम मसाला तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमने लहसुन लिया है 5-6 कली और 3 प्याज और नींबू लिया है। इसको हम सारे प्याज और लहसुन को कद्दूकस कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पे हम कद्दूकस कर रहे हैं, बहुत ही नए तरीके से हम कलौंजी बनाना बता रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने लहसुन और प्याज को कद्दूकस कर लिया है, नींबू को हमने कट कर लिया है। अब हम इसको कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ऐड करके इसको हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हमने पंचफोड़न लिया है, पंचफोड़न हमने ऐड कर दिया है। पंचफोड़न में अजवाइन ज़रूर रहेगा फ्रेंड्स, अजवाइन हम थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे, नींबू निचोड़ देंगे इसमें। नींबू को हमने निचोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे मसाला, हल्दी और थोड़ा सा मिर्च ऐड कर देंगे रेड वाली, और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। नमक ऐड कर देंगे स्वादानुसार। हम थोड़ा ही बना रहे हैं तो उसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स थोड़ा ही लिए हैं फ्रेंड्स। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप बढ़ा भी सकते हो। यहाँ पे हमने फाइनली मसालों को भून के निकाल लिया है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फ्राई हुआ है। अब हम इसको भिंडी जो हमने फ्राई किया था, भिंडी ठंडी भी हो गई है, बीच से कट लगा लेंगे। मसाले को इसमें हम फिल कर लेंगे अच्छे से। बहुत ही टेस्टी कलौंजी बनके तैयार होती है फ्रेंड्स, आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। ऐसे हम सारे भिंडी में मसालों को अच्छे से फिल कर लेंगे। कलौंजी बनाने के लिए हमको बड़ी वाली भिंडी नहीं लेना फ्रेंड्स, छोटी छोटी पीसेज वाली लेनी है, वो खाने में भी सॉफ्ट होती है। फाइनली अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे भिंडी में हमने कलौंजी मसाले को फिल कर लिया है, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुई है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार ऐसे बना के ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर मेरी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कैसा बना हुआ है। थैंक यू ऑल।